फिजिकल मिकदार के बारे में पढ़ना है। फिजिकल मिकदारें ऐसी होती हैं जिनकी फरमाइश की जा सके, जो जिस चीज की भी हम फरमाइश कर सकते हैं उन्हें फिजिकल मिकदारें कहते हैं। और फिजिकल मिकदारें हमारे पास लंबाई मालूम करते हैं, मैस मालूम करते हैं, टाइम मालूम करते हैं, वॉल्यूम मालूम करते हैं। मैस जब हमने किसी चीज का मालूम करना है तो उसके लिए जो उसकी यूनिट होती है वो ग्राम और किलोग्राम होती है। और हम ये मैं आपके सामने ये एक चीज है, इसको मैं इसका मैस मालूम करने लगा हूँ, तो इसको मैंने ये इलेक्ट्रिक जो इसका है इसके ऊपर मैंने इसको रखा है और इसका मैस मालूम हो गया है, इसका कितना वजन है, 600 ग्राम है या 600 ग्राम आ गया। तो इस हम मैस को ग्राम्स में और किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। उसके बाद कुछ चंद चीजें हमारी ऐसी होती हैं जो जो लंबाई में होती हैं, थोड़ी लंबाई होती है, बड़ी भी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा होती है, तो छोटी लंबाइयां होती हैं उनको हम ये मीटर्स की मदद से मालूम करते हैं। जैसे बात करें हमारे सामने ये टेबल है, तो अगर आप मैं पूछता हूँ ये टेबल टेबल कितना लंबा है, इसके लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए, तो ये मैं आपके सामने इसकी मैच करूंगा ये मीटर के हिसाब से, तो ये आपका तकरीबन 2 मीटर आ गया। उस हिसाब से हमें फिर इसका जो भी मालूम करना होता है वो मालूम कर लेते हैं। इसी चीज हमारे पास आती है टाइम। टाइम ये हमारे पास क्लॉक है, इस मदद से हम टाइम मालूम करते हैं। और टाइम की जो इकाई है वो सेकंड है, जो छोटी इकाई होती है वो हम इस्तेमाल करते हैं वो है सेकंड। और 60 सेकंड का 1 मिनट बन जाता है, इसी तरह 60 मिनट का 1 घंटा बन जाता है और हमें टाइम मालूम करना आ जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास लिक्विड चीजें होती हैं, जैसे पानी आ जाता है या पानी की तरह दूध या कोई और हमारे लेबोरेटरी में सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं, तो उनकी फरमाइश जो होती है वो वॉल्यूम में होती है। उनकी जो फरमाइश होती है वो वॉल्यूम होती है। उसमें लेबोरेटरी के अंदर छोटी छोटी शीशे की बोतलें होती हैं जिन्हें हम फ्लास्क कहते हैं, पिपट कहते हैं, उनके ऊपर निशानात लगे होते हैं और हम उसकी मदद से मालूम कर लेते हैं कोई चीज कितने मिलीमीटर है, कितने लीटर है। जैसे भी आपके सामने ये एक बॉटल है, इसमें ये पानी पड़ा हुआ है, हमें पता चल जाता है कि इसमें 5 लीटर पानी आया है या कितना आया है। तो ये इस हिसाब से आपकी